जी पहुंच गई है बनारस। आपने इन तस्वीरों में देखा, जब उनका काफिला सड़क से गुजर रहा है उसी समय कुछ लोग उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। और ममता बनर्जी क्या करती है, वो वहां से भागती नहीं, लेकिन वो उतरती है अपनी गाड़ी से, सड़क के ठीक बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती। उसके बाद पुलिस इन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाती और तभी ममता बनर्जी आगे बढ़ती। अब कौन थे ये लोग? ये है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, वही हिंदू युवा वाहिनी जिसका सीधा सीधा रिश्ता है योगी आदित्यनाथ के साथ। इस पूरी घटना के बाद ममता बनर्जी नजर आती है बनारस के घाट पर, गंगा आरती में शामिल होती है। और उसके बाद आज ममता बनर्जी पहुंचती है एक जॉइंट रैली में अखिलेश यादव के साथ, और वहीं पर जयंत चौधरी आरएलडी के, जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में खूब अखिलेश का साथ दिया, वो भी नजर आते हैं। और साथ ही शिवपाल यादव भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो अब आ गई है असली लड़ाई, असली और सबसे बड़ी लड़ाई। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब पहुंच गई है अपने आखिरी फेज में, द बैटल फॉर फेज 7। और देखिए, ये बैटल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया, ये लड़ाई सीधी सीधी अब हो रही है 2024 के लिए। इसीलिए लड़ाई बड़ी है तो ताकत भी बड़ी लगानी होगी। और ममता बनर्जी की अपनी जो एक स्ट्रीट फाइटर इमेज हमने बंगाल के चुनाव में देखी है, उसी का कहीं ना कहीं एक सांकेतिक इस्तेमाल अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं इस फेज के लिए। देखिए, ये दूसरी बार है कि ममता बनर्जी पहुंच गई है उत्तर प्रदेश और एक जॉइंट कैंपेन अखिलेश के साथ करती नजर आ रही है। लेकिन क्या प्लान है इनका, किस तरह 2024 की लड़ाई का पूरा एक समीकरण और एक अलाइनमेंट रचा जा रहा है, इससे पहले हम उसकी बात करें, फटाफट नजर डालते हैं कि सिक्स्थ फेज में, यानी आज जो पोलिंग कंक्लूड हुई है, उससे क्या बड़ी बातें सामने नजर आ रही। सबसे पहले बात करते हैं टर्नआउट की। अब 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो टर्नआउट है 53.31%। अब पिछली बार 2017 में ये टर्नआउट था 56%, यानी 56%। अब अगर हम आखिरी एक घंटे का भी इसमें टर्नआउट मिलाएं तो एक एवरेज मुझे लगता है कि काफी उम्मीद है ये टर्नआउट 56% से ऊपर जा सकता है, तकरीबन अबाउट 57-58%। तो क्या ये वोटिंग परसेंटेज में बम्प आ रहा है, और ये किसका वोटर है फिर जो घर से बाहर निकला है? क्योंकि हमने एक चीज बहुत क्लियरली इन तमाम बाकी फेजेस में देखी कि वोटिंग परसेंटेज या तो कम रहा है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि जब 2017 में चुनाव हुए थे, या फिर औसतन उसी के आसपास रहा है। लेकिन अगर इस फेज में ये टर्नआउट बढ़ रहा है तो ये क्या कहता है? और जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि ये किसका वोटर है जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस पूरे फेज में ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए, चाहे वो सिक्स्थ फेज की बात करें चाहे हम सेवन्थ फेज की बात करें। आपने देखा है कि जिस तरह तमाम जो सारे छोटे छोटे दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर जी की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, संजय निषाद की बात करें, ये सभी, इन सभी का वर्चस्व इसी और अगले फेज में नजर आ रहा है। इन्हीं के पास कुंजी है कि कौन जीतने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब आपको याद होगा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने खबर आती है कि बीजेपी छोड़ दी है और वो पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी में, कितनी खलबली उस समय बीजेपी में मचती है। तब तक खबर ये भी थी कि बहुत सारे जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन उस पूरे खबर के बाद जो ये पूरा एग्जोडस हुआ है, तमाम जो तब बीजेपी में नेता थे उसके बाद वो पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी में, उसके बाद भाजपा ने बहुत सारे सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं काटी, तो इन सिटिंग एमएलएज के खिलाफ भी काफी गुस्सा ग्राउंड पर नजर आया है। लेकिन क्या वो सारा जो गुस्सा है वो भाजपा ने एक जो लाभार्थी वर्ग बनाया है, जो फ्री राशन, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बात करी है, क्या वो उसको ओवरकम कर पाएगा?
ये भी कहीं ना कहीं इस फेज में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। विमेन वोटर्स की हमने बात करी, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में निकलती हैं वोट डालने के लिए। ये भी हमने औसतन सारे चुनाव में देखा है कि यूजुअली जिस पार्टी के लिए विमेन वोटर्स वोट करती हैं वही पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। अब ये वो भी चरण है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में गरीब लोग मौजूद हैं। अब इन गरीब लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी है? फ्री राशन की बात होती है, लाभार्थी वर्ग की बात होती है, नौकरी की बात होती है, महंगाई की भी बार बार यहां पर अखिलेश यादव ने चर्चा करी है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाकई में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? क्योंकि टर्नआउट अगर ये ऊपर गया है तो आप यकीन मानिए इससे कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन नजर आ रहा है। और हमने बात करी थी एक सरप्राइज फैक्टर की, आपको याद होगा, मायावती और प्रियंका गांधी। और बहुत सारी इस तरह अब ग्राउंड से ये खबरें आ रही हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस एक बहुत अच्छी फाइट दे रही है। तो कांग्रेस अगर अच्छी फाइट दे रही है और अगर वही ब्राह्मण मतदाता जो ठाकुरवाद की वजह से भाजपा से नाराज है कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं पहुंच गया, अगर ऐसा हुआ है तो सीधा सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहन जी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार कोशिश करी है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, खास तौर पर अब सिक्स और सेवेंथ फेज के लिए। और बहुत सारी सीट्स पर बीएसपी भी अच्छी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आज बहन जी भी नजर आई कुछ इंटरव्यूज देते हुए और उन्होंने ये बोला कि मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, मैं बाकी पार्टीज की तरह नहीं हूं, मैं रोड शोज नहीं करती, मैं अपनी ही तरह से काम करती हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और मेरा वोटर मेरे साथ है, ऐसा बोलती है बहन जी। वो सर्व समाज की भी बात करती है। तो कुछ तो देखिए ग्राउंड में हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है ग्राउंड में, जो हमें साफ तौर पर इस वोटिंग परसेंटेज में नजर आया है। और जिस तरह हमने बात करी कि यही वो फेज है जहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, तो 10 तारीख को ये साफ होगा कि किसके फेवर में ये टर्नआउट निकला है, किसका ये वोटर है जो बाहर निकला है वोट करने के लिए। क्योंकि आप एक और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के हम तमाम चरणों की बात करें ना, तो छठे और सातवें चरण ऐसे होते हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होता। औसतन जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न में आते हैं तो यहां पर टर्नआउट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन अगर इस बार ये टर्नआउट बढ़ गया है और इसमें बम्प आया है तो ये किसके फेवर में काम कर रहा है, ये देखना जरूरी है। अब आइए वापस आते हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी टुडे हैज हिट आउट एट द बीजेपी, शी इज हिट आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, शी इज हिट आउट एट योगी आदित्यनाथ। वो बार बार ये बोल रही हैं कि हम भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल देंगे। आपको याद होगा पिछली बार भी जब वो नजर आई थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने वोटर्स को एक बात बोली थी। उन्होंने तब कहा था वोटर्स को कि आप भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल दीजिए और उनको देश से बाहर निकालने का काम हम यानी ऑपोजिशन करें। तो ये लड़ाई अब एक अलग ही लेवल पर भी चल रही है, क्योंकि देखिए अब 2024 बहुत दूर नहीं है, बहुत कुछ निर्भर करेगा इन नतीजों पर। जो 2022 के नतीजे हैं, चाहे वो पंजाब की बात कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर इलेक्शंस या तो खत्म हो चुके हैं या हो रहे हैं। और जब इनके नतीजे 10 तारीख को आएंगे तो बहुत सारी अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट पॉसिबल है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या चाहे वो ऑपोजिशन की बात करें। क्योंकि देखिए भाजपा में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें सेटल होंगी। अगर भाजपा ये इलेक्शन जीत जाती है तो एक अलग तरह का समीकरण भाजपा के अंदर बनेगा, और अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती है तब भी एक अलग तरह का रीअलाइनमेंट हम पार्टी के अंदर देख सकते हैं। और यही बात ऑपोजिशन के लिए भी लागू है।
अखिलेश अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी एक बड़े दावेदार बन जाएंगे 2024 की लड़ाई के लिए। अभी हमने देखा है कि अखिलेश और मायावती बार बार साथ नजर आ रहे हैं, और बहन बहन जी को भी लेकर देखिए ना कहीं एक संशय तो होता है। लोग ये कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की ही बी टीम है। अब क्या ऐसा है, ये भी कहीं ना कहीं इन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आपको क्लियर होगा, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि एक बड़े स्तर पर उनकी भी एक इमेज हो, उनका भी एक वर्चस्व हो। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अखिलेश जब ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में साथ लेकर आते हैं तो इसके क्या मायने हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, ये एक सांकेतिक लड़ाई भी बहुत स्तर पर है अखिलेश के लिए। जिस तरह ममता बनर्जी ने अकेले एक स्ट्रीट फाइटर की इमेज के साथ उत्तर प्रदेश से बहुत दूर बंगाल की लड़ाई अपने ही दम पर जीती है, अखिलेश उस पूरी इमेज का यहां पर एक पोर्ट्रेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अकेले बीजेपी की पूरी माइट के साथ, बीजेपी के तमाम मंत्रियों के साथ, जो पूरा उनका सिस्टम है, और जिस तरह कहा भी जाता है कि बीजेपी इज अ 24/7 इलेक्शन विनिंग मशीनरी, उसके बावजूद ममता बनर्जी ने इतनी जबरदस्त जीत बंगाल में हासिल करी। और इसीलिए बार बार वो ममता बनर्जी को ना ही सिर्फ प्रचार में शामिल कर रहे हैं लेकिन उनकी बात भी कर रहे हैं। और वही ममता बनर्जी देखिए कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से कि 2024 की लड़ाई की तैयारी अब से शुरू हो जाए, क्योंकि ये बात उत्तर प्रदेश तक खत्म नहीं होगी। अब इसमें तमाम जो बाकी ऑपोजिशन लीडर्स है ना, थोड़ी बहुत उनकी भी बात करते हैं। आपने केसीआर को देखा होगा, केसीआर है तो साउथ के नेता लेकिन वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते। इस समय वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक नए तरह का अलाइनमेंट बने। कुछ समय पहले वो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आते हैं महाराष्ट्र में, शरद पवार भी उस बैठक का हिस्सा होते हैं। अब कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक ऑपोजिशन लीडर्स की बैठक, उनका एक फ्रंट बनाने के लिए एक पहल शुरू करी है। एक फेडरल फ्रंट को लेकर भी बात आती है कि माइनस कांग्रेस का एक फ्रंट खड़ा हो सकता है। तो ये तमाम जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं अब 10 तारीख को क्या होता है उसके बाद साफ होगा। अगर कांग्रेस पंजाब जीत जाती है, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक एक अपना प्रदर्शन कर लेती है, उत्तराखंड आप सोचिए अगर कांग्रेस जीत जाती है, सो द कांग्रेस विल बी बैक इन डिमांड। और तब ममता बनर्जी जो बार बार ये कहती रही हैं कि बिना कांग्रेस के ये लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको फिर एक दोबारा रिकैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ये तमाम राज्य हार जाती है और एक इमर्जेंस ऑफ द न्यू आम आदमी पार्टी पंजाब में हो जाता है, बीजेपी उत्तराखंड रिटेन कर लेती है, उत्तर प्रदेश रिटेन कर लेती है, तब सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। तब हमें देखना होगा कि ऑपोजिशन क्या स्ट्रैटेजी यूज करती है 2024 की लड़ाई के लिए। तो आने वाला समय और आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, और यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे दिलचस्प और सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर पहुंच गई। और मैं आपको एक और बात जाते जाते बताती हूं कि कल आपको बनारस में कौन कौन नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, भूपेश बघेल, ये सब बनारस में आपको कल नजर आएंगे। ये भी खबर है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी बनारस का रुख करें। तो फिलहाल तो ऑल रोड्स आर लीडिंग टू बनारस, बट द बिग फाइट इज फॉर 2024 एंड दिस इज द न्यूज दैट यू डोंट गेट। If you like our work, please do subscribe to our channel, News That You Don't Get. आप और लोगों के साथ ये पूरा वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि आपको ये पूरा एनालिसिस कैसे लगा और कौन से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप और बातचीत करना चाहेंगे, डिस्कशन करना चाहेंगे. फॉर द मोमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट वी विल कीप योर हेड ऑन एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो.